बाद फिर से थोड़ा बैकफुट पर नजर आएगी। ऑरेंज रॉक के वैक्सी को यहाँ पे डाउन किया जाएगा गिल के द्वारा, तो जिस चीज की हम बात कर रहे थे एक बार फिर से वो चीज हमें देखने को मिलती है। बट मीनवाइल यहाँ पर एक और स्पॉट जो उनका आगमन हमें जरूर से देखने को मिलेगा, वीकेंड करके इतना ओपन हो पाए इवो एक बढ़िया 1v2 यहाँ पर करके जाएंगे। जो एक खिलाड़ी नॉक्ड आउट है उनको भी इजिली रिवाइवल दिया जाएगा, लेकिन शायद यहाँ पर एंटिसिपेट नहीं किया था उन्होंने कि प्लेयर आएंगे टीम ओबे, उनको कोई भी आइडिया नहीं था वीकर लेकर के इतना ओपन में आप आ रहे हैं, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी और फिलहाल उनको पनिश भी किया गया। नाम है जिगल सर, बिल्कुल भी आपने जिगल नहीं करा वहाँ पे। आप देखें कि सामने वो प्लेयर खड़ा है, रिलोड कर रहा है वहाँ पे, वो गन स्विच कर रहा है, उसके बावजूद आप उस प्लेयर को खत्म नहीं कर पा रहे। बट स्काउट की बात करी जाए, सामने से फेक्सी का जवाब आता हुआ, स्काउट को डाउन किया जरूर गया, देखते फिनिश कर सकते हैं या फिर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट नहीं, काफी ज्यादा दूर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बट ओबी के प्लेयर काफी ज्यादा मुश्किल में, बट चल गए इसी के साथ उनकी स्क्वाड सोलहवें स्थान पे स्काईलाइट गेमिंग के द्वारा एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई देगी। बट इस वक्त ओआर की स्क्वाड सर्कल के अंदर नहीं है, टीम एक्सपार्क सर्कल के अंदर नहीं है, लेजेंड जो बहुत ज्यादा बाहर थे सर्कल के अंदर पहुंच नहीं पाए और वो खत्म हो गए। तीन फिनिशेस ओआर के पास है तो सही, व्यक्ति यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, मोस्ट वैल्यू टीम एक्सपार्क शॉट देते हुए आपको दिखाई देंगे। बट गिल की बात करी जाए तो वहां पे 90 FPS सर उनको भी डाउन किया जरूर गया। बट दूसरे साइड पे अगर बात करें टीम एक्सपार्क, माफी लास्ट प्लेयर बचे हुए थे अपनी टीम से, बट इसी के साथ ऑरेंज रॉक ईस्पोर्ट्स एलिमिनेट करते हुए नजर आएगी टीम एक्सपार्क को। ओह माय गॉड, एक अर्ली एलिमिनेशन 13वें फायदा। बट फॉल्ट ईस्पोर्ट्स की बात करी जाए, आए जरूर है बट क्या वहां पे टिक सकते हैं। बट DX वर्सेस स्कारलेट्स गेमिंग, इनकी भी फाइट यहां पे चलने वाले, एक बढ़िया ग्रेनेड आया था बट बचे जरूर, बट देखते ही देखते KBP जॉट के जो स्क्वाड थी वो यहां पे एलिमिनेट होते आपको दिखाई देगी। 8वें पायदान पे एक बढ़िया ग्रेनेड डेस्ट्रो के द्वारा जाता हुआ, मोस्ट प्रोबेबली दोनों प्लेयर डाउन जरूर हो सकते थे बट नहीं, शायद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया वो ग्रेनेड, इसी के बदौलत दोनों प्लेयर आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। डेस्ट्रो की एक और कोशिश, बट वो दोनों प्लेयर एक थोड़ा सा अंदर मौजूद जरूर रहेंगे, बट गम्ल बॉय Exodus को उन्होंने डाउन किया और अब Skylight Gaming का एक और पुश आने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार टीम Skylight Gaming हमें देखने को मिलती है। पुकार की साइड से वो ग्रेनेड जाएगा, काफी करीब था जोकर बॉट के, लेकिन जो कनेक्शन है वो था स्ट्रॉन्ग नहीं कि वहां पर नॉक निकाला जाए। ये एक स्लैमिन की कोशिश जरूर थी, इससे पहले टीम एक और टीम गेमिंग उन्होंने भी वहां पे कोशिश की थी। कमला बॉय यहाँ पर आएंगे एक्शन में, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। पीछे से पुकार जो है वो क्लोजिंग करने के लिए जाएंगे, वो फिनिश नो वो लेने में कामयाबी नहीं मिलेगी। और देखते देखते Skylight Gaming एक बार फिर से राइज करते हुए स्काई की तरफ, जो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा था उनको भी फिनिश किया। 15 फिनिशेस टीम Skylight Gaming ऑलरेडी निकाल चुके। मीनवाइल TSM वर्सेस VR1 की जो फाइट है वो भी इनिशिएट हो चुकी है। डिस्ट्रक्टेक्स का एलिमिनेशन, शैडो गेल यहां पर है और डिस्ट्रक्टेक्स के प्लेयर्स को भी स्पॉट करने की कोशिश है। दूसरी तरफ VR1 के ड्यूस इस बार फिर से हमें पहले डाउन होते हुए नजर आएंगे। अगर हम लोग Version 1 के प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स के पास लोकेशंस अच्छी खासी थी बट फिर भी अपने एक प्लेयर को तो यहाँ पर ऐसा लगता है शायद गवा देंगे। हालांकि बैकअप वहीं पर मौजूद है, आप देखिए VR1 की तरफ से एक प्लेयर है बट सिक्सा थोड़ा सा आगे जाएंगे और स्पाइस से और वो यहाँ पर पिक निकालना चाहेंगे। नॉक प्लेयर को भी यहाँ पर फिनिश कीजिएगा, सत्या को भी नॉक एंड फिनिश यहाँ पर करते नजर आएंगे। ओ वैन जरूर उल्टी हो गई बट वो चीज यहाँ पर डरने वाली नहीं होगी। डरने वाली बात यह कि अभी भी इनको जोन में जाना है और जोन में जाने के लिए इनको अपर एरिया पकड़ना पड़ेगा जहां पर सिड इनको टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके प्लेयर्स पनिश किए जा रहे हैं जी। बिल्कुल, साइको भी यहां पे डाउन हुए जरूर और पीछे से कहीं से तो शॉट आया, VR1 का एक प्लेयर डाउन हुआ है, बिल्कुल सामने से शॉट आया था बट ऑग्लिस 5 उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बट आप वो सारी चीजें छोड़िए, बट सर्कल देखिए कि किस तरीके से सर्कल बनता हुआ, हील बैटल वाली जो सिचुएशन है मुझे लगता है कि आखिरी जो मिनट होंगे वो ऑग्लिस 5 की स्क्वाड इस तरीके से चार्ज करते हुए नजर आएंगे। VR का आखिरी प्लेयर साइको अपनी टीम से सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। चिक्सो आगे जा जरूर है, सिड को वहां पे खत्म किया गया बट एक और प्लेयर वहां पे मौजूद है, चलिए उनका हेड वहां पे दिखाई जरूर दे। बट चिक्सो थोड़ा सा लेट हुए, वो प्लेयर वहां से नीचे कूदा जरूर है बट काइलो कोशिश कर रहे हैं बट नहीं, उनको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अब देखे सर्कल के बाहर भी वो चले गए, सर्कल के अंदर आने के लिए उनको पूरा रोटेट करना पड़ेगा बट चलिए कम से कम जिक्सो वो आखिरी प्लेयर साइको उनको भी खत्म करेंगे, साइक को खत्म करेंगे और इसी के साथ पूरी VR1 एलिमिनेट होते हुए सलाहवें पायदान पे एक फिनिश इस टीम को। बट वहीं पर TSM के प्लेयर्स ओबे के सामने यहां पर फाइट लेने की कोशिश, ब्लेज एक ग्रेनेड करेंगे, एक एक करके प्लेयर्स को डाउन किया, शैडो यहां पर पिक करेंगे अपने ओपोनेंट्स को। वेल दे आर मूविंग फॉरवर्ड लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन से देखा जा रहा है। एक्विनॉक्स के ऊपर एक ग्रेनेड आया, खुद को आगे बाहर रखना चाहते बट HP बहुत लो है यहां पर इनकी, इनको डाउन किया जाएगा। ओबे धीरे धीरे फ्रंट फुट पर आ रही है, TSM अपने एक एक करके प्लेयर्स खो रहे हैं, ब्लेज
गोलियां बहुत कम बची, उनको भी डाउन किया जाएगा। ओबे इज रेडी फॉर एन अपसेट। ओबे वहां पर टीम्स को एलिमिनेट कर सकती है जब निंजा अकेले बैठे हुए कहीं और ही फाइट ले रहे हैं केबीपी के साथ। ओ माय गॉड, यहाँ पर निंजा भी डाउन, टीएसएम का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। वो टीम जो अभी तक कंसिस्टेंटली डोमिनेट कर रही थी लॉबी, फिलहाल वो यहाँ पर 15वें पायदान पर एलिमिनेट। अरे फाइनल बॉस हमें देखने को मिल जाएंगे और अक्षय और दोनों ही व्हीकल लेके पानी के अंदर, लेकिन टीम एक्स पार्क फाइनली वो शोर वाले एरिया पे पहुंच चुके हैं। आराम से आए थे लेकिन वहीं पर स्काउट को डाउन किया जाएगा पुकार के द्वारा। वो दूसरे एंगल पर फाइट ले रहे थे और वो उस डायरेक्शन को देख नहीं पाए सर्कल स्काईलाइट्स के खेमे में। और के वैक्सी को देखिए, ओबे के शैडो को यहां पर पिक किया जाएगा। गिल अभी भी अपने गिल्स का इस्तेमाल करके तैरते हुए नजर आ रहे हैं बट ज्यादा देर तक शायद तैर ना पाए। वहीं पर वन साइड ग्लोरी के प्लेयर ने वो जो पिक है वो फिनिश ऑफ यहां पर स्टील किया जरूर। सेल्सियस के मैक्स की बात करें, उन्होंने आदित्य को यहां पर पिक किया। 13 टीमें हमारे सामने और 37 लोग जीवित, बट कहीं ना कहीं पानी वाली टीम्स को अब आना है। वेल इट्स टाइम फॉर अ स्विम और नॉट, आई नो, बट इट्स टाइम टू एक्चुअली हंट डाउन द फिशेस। और कोशिश उसी की सब्स्टिट्यूट, गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। गिल आगे आए, इंस्टेंटली पिक यहां पर निकाला है वन साइडेड ग्लोरी के, एक और प्लेयर को अपनी चपेट में लेते हुए नजर आएंगे। मावी भी आगे आ चुके हैं, उसी जगह पर हैं जहां पर स्काउट थे। अगर निक के पास एक ग्रेनेड रहा तो मावी के लिए मुश्किलें हो सकती है। एग्जैक्टली यहां पर मुश्किलें जरूर से बढ़ा सकते हैं। और वो ग्रेनेड जिसकी आप बात कर रहे थे वो आया भी, बट उतने अच्छे कनेक्शन सभी के लिए बनेंगे नहीं। मावी की जो पोजिशनिंग है वो पूरी तरीके से रिवील्ड है। 3 खिलाड़ी आएंगे लेकिन अल्ट्रॉन पीछे से बढ़िया कवर फायर उनकी साइड से देखने को मिल जाएगा। एक ग्रेनेड मावी के काफी ज्यादा करीब आया है लेकिन उनको डैमेज पहुंचाने में अभी के लिए कारगर रहेगा नहीं। जल्दी से जल्दी फाइट निपटानी पड़ेगी। अल्ट्रॉन आगे की तरफ क्योंकि जोन भी आ रहा है और ग्लेस 5 के बिल्कुल सामने और रैंक 10 के प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। ट्रिगर एश एके और बिलीव, वेल द नीड्स ऑन बिलीव, उनको बचना पड़ेगा, उनको डाउन यहां पर किया जाएगा जिक्सॉ के ही द्वारा। इस गाड़ी का कवर बनाने की कोशिश और एके क्या कर रहे हैं ये इस मौके पर बगी लेकर के आप अपने ओपोनेंट को पूरी लोकेशंस बता रहे थे, दैट वाज नॉट अ गुड मूव। और ट्रिगर लेफ्ट हैंड साइड पर हमें नजर आ रहे हैं और ग्लेस 5 के प्लेयर्स धीरे-धीरे आगे जाएंगे। एक-एक फिनिशेस निकाल के, बट ट्रिगर ही स्टिल सर्वाइविंग, विल नॉट एनीमोर, से नो मोर, ही विल बी टेकन डाउन। एक और एलिमिनेशन, टीम ओरैंगुटन यहाँ पर एक बार फिर से निराशाजनक प्रदर्शन हम उनकी साइड से देख रहे हैं। अच्छी प्रेजेंस यहाँ पर VR1 के प्लेयर्स ने भी दिखाई है लेकिन साइको यहाँ पर पकड़ा जरूर जाएगा। अगर हम साइक की बात करें, उनको नॉक किया जा चुका है। किल के पास एडवांटेज इस पोजीशन की और उस पोजीशन का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर किलने के, लेकिन पीछे सेंसेस के ड्रीम्स इन सब फाइट्स को होते हुए ऐसा लग रहा है कि देख रहे हैं। रिवाइवल जरूर दिया जाएगा यहाँ से आगे, डेढ़ सौ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। क्या टीम एक्सपा क्रश करेगी? अगर मैप पर देखें तो एक गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में, एक गाड़ी उधर जा रही है, ऐसा लगता है कि शायद वो गाड़ी आसपास रहने वाली है। सब चीजों को यहाँ पर संभालने की कोशिश रहेगी। ऑलराइट, गिल के ही पास एक प्लेयर आए उनके जी बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वो रश कर सकते हैं, बट बिहार के बाकी जो दो प्लेयर हैं वो ऊपर की साइड में, ड्रीम्स बड़े आसानी से वो दो प्लेयर को खत्म कर सकते हैं। मुझे देखना है कि ड्रीम्स एक्चुअली में है कहाँ पे, उनके जस्ट सामने आके VR के दोनों प्लेयर रुके हुए हैं। और इसी चीज की मैं शुरुआती दौर से ही बात कर रहा था कि प्लेसमेंट पॉइंट VR के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसी चक्कर में आप देखें दोनों प्लेयर फंस गए, दोनों फिनिश हो चुके हैं। ड्रीम्स वहां पे सत्या का फिनिश लेने में कामयाबी हासिल करी है, एंड सिड को भी उन्होंने फिनिश कर दिया। टीम एक्सपाक के हाथों में कुछ लगा नहीं, बट बाकी जो दो प्लेयर थे वो भी बस फंस के रह चुके हैं। और अब अगर टीम एक्सपाक दोनों के दोनों प्लेयर यहाँ पे रश करते हैं और बाकी जो दो प्लेयर ऊपर की साइड पे वहां से कवर फायर प्रोवाइड करते हैं, दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बट ड्रीम्स खुशी हुई इस चीज को देख के कि बिल्कुल भी वो डरे नहीं, वो सहमे नहीं, आए दो प्लेयर वो फिनिश निकालने के लिए गए, कामयाबी हासिल करी। सेल्सियस इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको चाहिए था, मिल भी रहा। दोनों इंपॉर्टेंट फिनिशेस यहाँ पर थे और दोनों फिनिशेस ड्रीम्स के हिस्से में। आपने देखा मावी ने एक प्लेयर को नॉक किया था, गिल ने एक प्लेयर को नॉक किया था, बट वो ड्रीम्स के इतना करीब थे कि ड्रीम्स और कुछ करना चाहते ही नहीं थे, उनको बस फिनिशेस निकालने थे, उन्होंने वो निकाल लिए। अभी यहाँ पर मिनी के ऊपर जो 2x लगा हुआ है उसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश रहेगी ड्रीम्स की। अगर उनको मिल जाए तो वेल एंड गुड, बट ओबे के डेड पूल की अगर हम लोग बात करें, इनकी गाड़ी यहीं पर है, ये प्लेयर यहीं पर है, कहीं ना कहीं पीछे से ऑब्वियसली इनको टीम दिक्कतें देने वाली है। टीम एक्स के प्लेयर्स यहाँ पर PR1 के प्लेयर्स के ऊपर चार्ज इन कर चुके, स्काउट को देखिए कितना ज्यादा करीब है शॉट्स लेने की कोशिश। और वहीं पर अल्ट्रॉन काफी अच्छा डैमेज दे चुके, अपने ओपोनेंट को आराम से डाउन किया जाएगा अल्ट्रॉन के ही द्वारा। UMP का बेहतरीन इस्तेमाल यहां पर किया गया, एंड फिनिश ऑफ भी यहां पर निकाल जाएगा। VR1 का एक इकलौता प्लेयर
सर्वाइव कर रहा है जो काफी करीब है। ड्यूस हम देख पा रहे हैं उनको कि वो अगले एरिया में, लेकिन उनको भी यहां पर फिनिश किया जाएगा। अल्ट्रॉन दो फिनिशर्स निकाल करके अपनी टीम की यहां एलिमिनेट हुए, तो मात्र केवल एक प्लेसमेंट बॉय उनको मिलने वाला है। क्या वो पहुंच सकते हैं? शायद आंसर है हाँ, पहुंच जाएंगे। बट राइवलरी की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए, विलीन का एक बढ़िया ग्रेनेड और इसी के साथ पूरी राइवलरी की स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई देगी। 8 फिनिशेस राइवलरी के पास, दिक्कतें नहीं होने वाली। बट ब्लेज जिक्सॉ के तो डाउन किया जाएंगे, बट आप देखें ऑगलेस 5 चारों प्लेयर इस वक्त उनके सर्वाइव करते हुए, और ईस्पोर्ट्स के भी चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। इनफैक्ट केवीपी के बिल्कुल सामने फाइट ले रहे हैं। चेली एक मेरे को पिक कर देते रहेंगे, मावी के पास फाइनली बिलीव का एक फिनिश आता है टीम के लिए और मोमेंटम बनाने की कोशिश। एंड यस, खत्म किया ओआर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने अपने प्रतिद्वंदी जोन के बाहर, ओआर जोन के बाहर, डीएक्स जोन के बाहर, एकेओपी बहुत ज्यादा जोन के बाहर, कोई भी इस वक्त सर्कल के अंदर ओशन है नहीं, और सर्कल इस वक्त पूरी तरीके से रोड पे, सर्कल सड़क पर आ चुका है। बट प्लेयर्स को कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर रखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स, ओआर के प्लेयर्स, डिस्ट्रक्टैक्स एंड और रैंगुटन गेमिंग का एक एक लौता प्लेयर बागडोर संभाल करके बैठा है। स्काउट तो उसी प्लेयर को पिक करना चाहते हैं, बट क्या वो अपना फिनिश देगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हील्स करने शुरू कर दिए, एक पिक्सल यहाँ पर दिखा जरूर था ऐसा लगा, बट थोड़ा सा गलत एंगल पर यहाँ पर स्काउट देख रहे थे। बट वहीं पर पीछे उनको पता है डिस्ट्रक्टैक्स के प्लेयर्स भी है, जोन चलना शुरू हो चुका है। बट प्लेयर्स कब चलेंगे एक बहुत बड़ा सवाल अभी के लिए बंद करके बैठा हुआ है। ईवो भी उस प्लेयर को देखना चाहते हैं, पिक निकालना चाहते हैं, उनको पता है कोई ना कोई है जो नाक में दम कर सकता है पीछे से, अगर उसको खुला छोड़ा गया इस समय, अगर उसको देखा ना गया। बट जेली की तरफ से आप देखिए, स्काउट की तरफ से आप देखिए, दो प्लेयर्स, दो अलग अलग टीम्स, एक टाइप से यहाँ पर टीम अप देखने को मिला, इफ नॉट एनीथिंग नीड्स और गन्स का इस्तेमाल किया गया था। और टीम एक्सपार्क, वेल दे आर मूविंग फॉरवर्ड, स्काउट अभी भी आगे जाना चाहते हैं। 5 फिनिशेस टीम के पास, किल के पास। यहां पर अगर हम बात करें, एचपी बहुत कम है, लेकिन पेरेंट लेकर के आगे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। वैक्सी बिल्कुल सामने, गन यहां पर उन्होंने हटाई, ग्रेनेड यहां पर कर सकते हैं। वैक्सी देयर, वैक्सी देयर, व्हाट हैपेंड? बिल्कुल, लेकिन वहीं पर राइवलरी के ऊपर भी यहाँ पर फाइट आई थी। आप देखिए डोरा ने नॉक और फिनिश एक निकाला, अलादीन थोड़ा सा पीछे से मूव करते नजर आ रहे हैं। राइवलरी के प्लेयर्स की कोशिश है, अभी भी कोई अगर उनको दिखे तो उन पर शॉट्स लिए जाएं। अब फ्रंट फुट पर फॉल्ट के प्लेयर्स आ चुके हैं, स्मोक के बीच में थोड़े बहुत यहाँ पर शॉट्स लेने की कोशिश प्लेयर्स के द्वारा हो रही थी, क्योंकि उनको पता है सामने ही एक प्लेयर नजर आएगा। अलादीन धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि प्लेयर्स जो है वो उनको प्रेशर में नहीं डाल पाएंगे। और यहीं पर निको की तरफ से भी कोशिश जारी है हल्की फुल्की, डेल्टा पीजी उनको डैमेज हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी बचे उनको अपने टीममेट्स के पास जाना है। बट बहुत ओपन एरिया से मूव तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अच्छे शॉट यहाँ पर डोरा ने लिए, इनफैक्ट डेल्टा को डाउन किया, बट एक फ्लैश बैंग यहाँ पर एक तरीके से आप उसके स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जरूर गया था। अलादीन कहीं ना कहीं रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, रिवाइव कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने कवर है अगर स्मोक हट गया तो, बट फॉल्ट के प्लेयर्स नंबर्स एडवांटेज में आ चुके हैं क्योंकि डेल्टा डाउन है। आप वोल्ट्रिक की पोजिशनिंग को देखिए, कितना ज्यादा वो करीब है अक्षय को, उन्होंने पूरी तरीके से अपने ऊपर उनका जो ध्यान है वो केंद्रित करके रखा हुआ है। डेल्टा पीजी को रिवाइव कर पाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। टीम राइवलरी का अगर वो जो फिनिश है वो अगर वो सिक्योर हो जाता है तो उसके बाद मेरे ख्याल से और मुश्किल आएगी। और मैं इसी पोजिशनिंग की बात करता हूं, वोल्ट्रिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे थे, वहां पर उन्होंने अक्षय को डाउन किया। और अब फाइनल बॉस जो है वो फाइनल पिक जरूर से यहाँ पर बन सकते हैं, कुछ ग्रेनेड्स वहां पर वो करेंगे, प्री ग्रेनेड्स बिना कुक करे, मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होनी नहीं चाहिए टीम फॉल्ट ईस्पोर्ट्स के लिए। बट लेकिन लेट्स सी फाइनल बॉस यहाँ पर क्या कुछ अलग गेम प्ले दिखाने में कामयाब हो पाएंगे। जी नहीं, टीम फॉल्ट ईस्पोर्ट्स 4 फिनिशेस लेकर के जाएंगे इस फाइट से। 15 सेकंड्स में 7वां सर्कल धीरे धीरे क्लोजिंग करना करने वाला है। 4 टीमें, सर्कल किसी का भी इस समय साथी नहीं है, सर्कल सबको सौतेला छोड़ चुका है, तो टीम्स को आगे मूव करना ही पड़ेगा। स्काउट उनके पास डीपी है, उनके पास प्लेयर्स का वहां पर विजन है, बट पिक अभी नहीं निकाल पाएगा, कोई प्लेयर ओपन में नहीं आ रहा। यहीं पर एक प्लेयर को स्पॉट किया, सब्स्टिट्यूट स्पॉट होते सीधा उनको डाउन किया जाएगा, दूसरा प्लेयर भी स्पॉट किया जा चुका है। स्काउट आगे नहीं जाना चाहते, वो साइड लाइन पर जाना चाहते, जो प्रेशर बनाया उस प्रेशर को रखना चाहते। सामने उन्होंने लेजेंड को भी स्पॉट कर लिया, शॉट्स लिए जा रहे हैं। 18 गोलियां पर बचती है, लेकिन वहीं पर गिल आगे जाएंगे, एक पिक निकालेंगे टीम एक्सपार्क। वेल वो लाइटिंग वापस से दिख रही है इनकी द्वारा, एंड एलिमिनेशन यहां पर किया जाएगा वन साइड ग्लोरी का। बट अब जोन में जाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, धीरे धीरे यहां पर अगर हम लोग बात करें प्लेयर्स को रिवाइव करने की कोशिश रहेगी, बट विल दैट बी एनफ, क्योंकि टीएसएम के प्लेयर्स भी सामने की तरफ को है। दिस इज इट, 4v2 सिचुएशन, एक्वानॉक्स और शैडो अलग अलग एंगल्स पर। टीम एक्सपा क्या ये पहला चिकन डिनर लेकर के जाएंगे सेमीफाइनल्स में? इंपॉर्टेंट सवाल, और वहीं पर कोशिश रहेगी एक्वानॉक्स
स्मोक के एरियाज के अंदर बैठे हुए हैं। शैडो की बात करें, उनके पास पत्थर का कवर है, बट मावी ने यहां पर प्लेयर को स्पॉट कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जोन का डैमेज मावी को पड़ रहा है। सामने की तरफ को जाना पड़ेगा, आगे उनको कूदना है। शैडो एक पिक निकालने की उनकी कोशिश, यहां पर मावी को स्पॉट करेंगे, इंस्टेंटली डाउन करेंगे एक्वानॉक्स की मदद से। और एक आखिरी प्लेयर यहां पर टीम एक्सपा के बचे, अल्ट्रॉन, और उनके ऊपर ग्रेनेड्स किए जा सकते हैं। नीड परेड रहेगी। TSM, well they wanted it, well they got it.